है विजय? अरे जल्दी से तैयार हो जाओ, पिक्चर जाना है। तुम इतने जल्दी आ गई? जनाब पूरे 3 बज चुके हैं और आपको जल्दी नजर आता है? 3 बज गए जी। इसका मतलब पुलिस की ड्यूटी खत्म और तुम्हारी ड्यूटी शुरू। ये भी कोई ब्रेक लगाने का तरीका है? लॉलीपॉप खिलाने का तरीका है। जाओ, हम तुमसे नहीं बोलते। लॉलीपॉप खा के भी बात नहीं करोगी? नहीं। सोनिया छोड़ो भी है गुस्सा। अरे बाबा माफ कर दो, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तुम चाहो तो मैं अपने कान भी पकड़ लेता हूँ। तो पकड़ो कान और कहो कि आइंदा ऐसा नहीं करोगे। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। मेरे नहीं, अपने कान पकड़ो। सॉरी बाबा, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा और जो तुम कहोगी वही करूंगा। सच कहते हो? हाँ बाबा सच कहता हूँ। राजा उस्ताद खाना। हाँ आ जा अंदर, ला यहाँ रख दे। चलो भाई पहले खाना खा लेते हैं। लेकिन मैं जरा हाथ धोना चाहता हूँ। हाँ उधर पानी, उधर इसे पकड़ो। भाई हमारी एक बात मानो। क्या? तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? हाँ हाँ कर लेंगे, लेकिन जो भी काम करेंगे तुम्हारे साथ ही करेंगे। लेकिन तुम काम क्या करते हो? अरे कोई कुछ भी करा ले, हमें तो पैसे से मतलब है बस। कुछ भी करा ले? तुम्हारा मतलब है पैसों के लिए कोई तुम्हें चोरी करने के लिए कहेगा वो भी कर लोगे? चोरी तो क्या, हम तो डाका भी डाल लेंगे। तो क्या तुम पैसों के लिए चोरी डकैती करते हो? करनी पड़ती है बड़े भाई, ये बंबई है बंबई। कुछ दिन यहाँ रहोगे तो तुम भी सीख जाओगे। खाना खाओ। छी 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 छी, तुम खाना खाने की बात करते हो? हम इस घर का पानी भी नहीं पिएंगे, हम जा रहे हैं। अरे भूखे प्यासे मर जाओगे, इस शहर में कोई रोटी पूछने वाला नहीं मिलेगा। ना मिले हम मंदिर का प्रसाद खाकर पेट भर लेंगे। हाँ अरे सुनो, शंकर को हाथ से मत जाने दो राजा। अरे कब तक मंदिर का प्रसाद खा के अपना पेट भरता रहेगा? नहीं ठाकुर साहब, उसे भूल जाइए। आपके कहने पे मैंने उसे बहुत पटाने की कोशिश की, लेकिन वो देहाती है, अखड़ है, और फिर हमारे हिसाब से वो कुछ उल्टा ही सोचता है। मगर धुन का पक्का है, जिस काम में हाथ डालेगा उसे पूरा करके ही छोड़ेगा, और हमारे काम के लिए ऐसा आदमी बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो राजा, इस मामले को हम पर छोड़ दो। क्षमा क्षमा कीजिए। बटुआ मैम साहब, अरे मैम साहब, जल्दी ले चलो ना। चल चल। अरे कहाँ जाता है ये? ओ लगा यार,
साहब साहब, आपकी धोती धोती तो है, धोती तो वहां है, लेकिन तुम यहाँ है। बेशरम, लाज नहीं आती सबके सामने नंगे होते हुए? हैं? तू औरत है या ये कौन गंवार है? बाहर निकालो इसे। जो हमें किसी ने छुआ तो हम कोई यहाँ इसका नंगा नाच देखने नहीं आए थे, हमें इसे भली औरत समझकर इसका बटुआ लौटाने आए थे। ये ले तेरा बटुआ, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज टेक योर सीट। कौन है रे तू? यहाँ क्या कर रही है? चल फुट यहाँ से, भाग। हम तो खुद सीतापुर गांव से भाग कर आए हैं, हमारा तो यहाँ कोई भी नहीं है। अरे कमाल है, किसी जमाने में सीतापुर गांव की हर लड़की अपने पति के साथ सती हो जाती थी और तू उसी गांव से भाग कर आई है। हाँ, हमारा शराबी मामा हमें एक बूढ़े के हाथ बेच रहा था, वहाँ हमारी इज्जत को खतरा था। अरे तो यहाँ कौन सा खतरा नहीं है? इसीलिए तो हम 10 नंबरी के पास आए हैं ना। मतलब? मतलब क्या दे रहे हैं? मतलब बस्ती वाले कह रहे थे कि 10 नंबर मकान वाला राजा ही बेसहारों का सहारा है। राजा आप ही का नाम है ना? हाँ हाँ, लेकिन ना तो ये राजमहल है ना कोई धर्मशाला। चल फोट यहाँ से, चल। देखिए देखिए, मैं आपके पैर पड़ रही हूँ। अजी बेवकूफ लड़की है, अरे फालतू में गले पड़ रही है, हैं? मैं गले कहा, मैं तो आपके पैर पड़ रही हूँ। चल निकल यहाँ से, जाके किसी और के पैर पड़। यहाँ से आ जाते हैं फालतू में तंग करने, इन्हें और कोई मिलता ही नहीं। देखिए देखिए, इस वक्त मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे यहीं रहने दीजिए। अरे यहाँ का रहेगी, एक ही तो कमरा है। तो क्या हुआ, हम दोनों के लिए तो एक ही काफी है, मैं तो यहीं कहीं सो जाऊंगी। ए, 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 ये क्या कर रही है? अरे लोग तुझे यहाँ देखेंगे तो मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा। चल निकल बाहर, चल बाहर। हाँ हाँ बाहर, अकेले? अरे नहीं तो क्या, मैं चलूँ तेरे साथ? चल निकल। कैसे आदमी हो तुम, खुद ही तो कह रहे थे यहाँ मेरी इज्जत को खतरा है और खुद ही एक बेसहारा परदेसी लड़की को बाहर भेजते हो। मैं यहाँ कोने में पड़ी रहूंगी तो तुम्हारा क्या जाएगा? लेकिन रोती क्यों हो? तो नहीं तो क्या करूँ? अच्छा ठीक है ठीक है, आज आज यही सो जाना, लेकिन कल सुबह जरूर चले जाना, समझी? लाइक का जमाना ही नहीं। क्या कहा? तुझसे कुछ नहीं कहा मैंने, और देख अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। मेम साहब, मेम साहब, इन्हें होश आ गया है। ये क्या? घबराइए मत, छोटा सा फ्रैक्चर है। लेकिन लेकिन हम यहाँ कैसे? आप सड़क पर बेहोश पड़े थे, हम उठा लाए। वैसे हुआ क्या था, कोई एक्सीडेंट? नहीं जी, एक औरत का सड़क पर बटुआ गिर गया था, हमने उठा लिया, वापस लौटाने के लिए उसके पीछे भागे, वो होटल में घुस गई, हम उसके पीछे घुस गए, और जानती हैं हमने क्या देखा? क्या देखा? छी 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 छी, इतने सारे लोगों के सामने उसने एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारने शुरू कर दिए। अगर हम उसे थप्पड़ न मारते तो वो पूरी नंगी हो गई होती। अच्छा? हाँ, हम गांव के आदमी है ना, हमसे देखा ना गया। मेम साहब एक बात बताएं। हाँ, हाँ? अगर हम आपसे न मिलते तो शिवजी की सौगंध, हमें शहर की हर औरत से नफरत हो गई होती। कितना फर्क है आप में और उस पे, एक वो बेशरम निर्लज और आप इस चार दीवारी में भी पर्दा किए हुए, जैसे लज्जा की मूर्ति, देवी जैसी, बिल्कुल देवी जैसी। ठाकुर साहब आप? यूं ही तुम्हें मुबारकबाद देने चला आया। तुम शंकर को अपने घर ले आई, हमें तुम्हारी ये चाल पसंद आई। ये पाजेब, ये घूंघट, हम समझते हैं कि बेपर्दगी से नफरत करने वाले पर्दे की ओट से जल्दी घायल हो जाते हैं, है ना? खैर, कहां तक कामयाबी मिली? अभी तो शुरुआत है ठाकुर साहब, मैं नहीं चाहती कि जल्दबाजी में कोई गड़बड़ हो जाए। मतलब? मैं उसका थप्पड़ अभी तक भूली नहीं,
और फिर ऐसे सीधे आदमी को काबू करके आप तक पहुंचाने में वक्त तो लगेगा। हाँ वक्त तो लगेगा, लेकिन शालू मेरी एक बात याद रखना कि वक्त को आदमी का गुलाम होना चाहिए, आदमी को वक्त का गुलाम नहीं। मेरा मतलब समझ गए ना? जी। गुड, फिर हम चलते हैं। गुड लक।